मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, 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 मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, 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 जन्म जन्म के हो गए फेरे, 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 मेरा जुड़ गया उनसे नाम मगन में नाचूं, मेरा जुड़ गया उनसे नाम गोविंद मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम मगन में नाचूंगी। जब कान्हा की बाजे मुरलिया, 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 छम छम बाजे मेरी पायलिया, 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 और सब लोग करें बदनाम मगन में नाचूं, सब लोग करें बदनाम मगन में नाचूंगी, सब लोग करें बदनाम मगन में नाचूंगी, सब लोग करें बदनाम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती,
कोई कौड़ी लगी न दान मगन में, कोई कौड़ी लगे न दान मगन में ना चूंगी, कोई कौड़ी लगी न दान मगन में ना चूंगी, कोई कौड़ी लगे न दान मगन में ना चूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में ना चूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में ना चूंगी। अरे रे मेरी माई जब कान्हा की बाजे मुरलिया, 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 छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, पर लोग करे बदनाम मगन, सब लोग करे बदनाम मगन में ना चूंगी। अरे रे मेरी 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 माँ मेरी सजनी, लोक पिलाज नहीं कुल कांति, लोक पिलाज नहीं कुल कांति, एरी ओग्री के तज काज भजूंगी, ओग्री के तज काज भजूंगी, पर वो रूप अनूप निहारे बिना, वो रूप अनूप निहारे बिना, विरहाग की आग में कौलो दहूंगी, विरहाग की आग में कौलो दहूंगी, मैंने धार लई बलवीर यही और, मैंने धार लई बलवीर यही और, मैं तो प्राण प्यारे के रंग रंगूंगी, मैं तो प्राण प्यारे के रंग रंगूंगी, चाहे कलंक लगाओ सजनी, चाहे कलंक लगाओ सजनी, मनमोहन मीत के अंक लगूंगी, एरी चाहे कलंक लगाओ सजनी, मनमोहन मीत के अंक लगूंगी, सब लोग करे बदनाम, सब लोग करे बदनाम मगन में ना चूंगी, कौ कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कौ, कौ कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कौ, कौ कहे लंकिनी कुनारी हो, कौ कहे लंकिनी कुनारी हो, ये कैसो नर लोक पर लोक दो लोकन ते, ये दुनिया वाले श्रद्धा भावना प्यार को क्या जाने, कैसो नर लोक पर लोक दो लोकन ते, एरी लीनी में अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो,
लीनी में अलीक लोकल लीगन ते न्यारी हो। बड़ी पते की बात है, दोनों लोक, लोक और परलोक, लोक नरलोक में ज्यादातर क्या चलता है, मान्यताएं, मर्यादाएं, परंपराएं। अभी भी हम जहां से आ रहे हैं, एक परंपरा का निर्वाह ही करना था, गाना नहीं था बलदेव जी, बात शनि महाराज की थी। और क्या, लोकाचार ही था। अब इतने देवी देवता आ गए हैं कलयुग के अंदर, सनातन धर्म कहता क्या, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और यहाँ देवताओं की लाइन लगा रखी, पता नहीं। इतने हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, विश्वास टिकता ही नहीं, भय के वातावरण में जी रहे हैं, इसे सारे देवताओं को मना रहे हैं, तू भी मान जा, तू भी मान जा, तू भी मान जा, तू भी मान जा। जिस एक इष्ट की प्राप्ति के लिए सारा जीवन लगाना है, जीवन क्या है, भटका रहे हैं, मजे की बात, खुद भी भटक रहे हैं औरों को भी भटका रहे हैं। क्या करना शनि देव ने, ये तो बताओ हमारे को, जितने जाके मनो तेल चढ़ा देना, अगर 7.5 साल की 7.5 सती है, 10-20 टैंकर चढ़ा देना उनको ऊपर, 7.5 की 7.5 ही रहेगी, 7.25 होने वाली नहीं है। जिस एक इष्ट के मंत्र को हमको पकड़ना चाहिए, उसको तो पकड़ते नहीं, घूमते रहते हैं, नए नए देवी देवताओं की मौज हो रही है, उनको नए नए भगत मिल रहे हैं, इनकी आड़ में क्या है, ये मंदिरों को चलाने की, मैं तो साफ कह रहा हूं, मंदिर चलाने का इससे बढ़िया और कोई ढंग नहीं। क्योंकि राधा कृष्ण को तो कोई माल मत्ता चढ़ाता नहीं, उनसे तो सब मांगते हैं, इन देवताओं पे न जाने कितना चढ़ा देते हैं। को कहे कुलता कुलीन अकुलीन को, को कहे लंकिनी को लंकिनी को नारी हो, ये कैसो नर लोक, ये कैसो नर लोक, पर लोक दो लोकन ते एरी लीनी में अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो। क्या करो, विचारधाराएं बदल गई, चाहतों ने करवटें ले ली, अब केवल ये मान्यताएं और परंपराओं के आधार पर जिया नहीं जा रहा। एरी लीनी में अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो, ये देव जाओ, ये देव जाओ, देख जाओ, ये देव गुरु जन जाओ, ये देख जाओ, देख जाओ, अरे देव गुरु जन जाओ, ये प्राण किन जाओ, नेक तरत नटारी हो, ये प्राण किन जाओ, नेक तरत नटारी हो। क्यों, वो वृंदावन वारी प्यारी, वो वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी, पीत पट वारी प्यारी मूर्ति पे वारी हो, वो पीत पट वारी प्यारी मूर्ति पे वारी हो, मूर्ति पे वारी हो। इसलिए सब लोग करें बदन, क्यों, और जितने भी देवी देवते हैं वो भी नाराज ही है हमारे से, कि आएगा नमस्कार तो कर देगा, कोई चढ़ावा वढ़ावा नहीं चढ़ाएगा, उसके चक्कर में मंदिर वाले भी परेशान रहेंगे, स्वामी जी भी हैं उसमें से, क्यों बात गौशाला की आगे, तो बात तो वो ही है। सब लोग करे बदन, सब लोग करे बदनाम, मैं नाचूंगी,
नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, क्यों नाचूंगी, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती। ये बात भी अगर हम ध्यान कर लें, मस्ती कब आती है, जब एक का हो जाते हैं, बाकी सब देवताओं की फॉर्मेलिटीज है, क्यों भय की वशीभूत जा रहे हैं, कोई वहाँ मस्ती थोड़ी मिलती है, कोई शनि महाराज मारा बिगाड़ ना दे, जैसे उनका यही काम हो, ये जो चढ़ावा चढ़ाएगा उसकी तो ठीक कर देंगे, बाकी सबकी बिगाड़ देंगे, कोई देवता ऐसा हो सकता है क्या, कैसी मान्यताएं हम बांध के बैठ गए हैं। देखो एक बात बता देता हूँ, इष्ट की प्राप्ति के लिए देवताओं की शक्तियाँ बहुत जरूरी है प्राप्त होना, बिना शक्ति के भक्ति हो नहीं सकती, इसे इन देवताओं के पास भी हमें जाना पड़े तो जरूर जाएं, लेकिन मांगे एक ही चीज़, मेरी बिगड़ी बना देना ये मत मांगना, बिगड़ी बनाने के लिए कृष्ण कन्हैया कोई कम नहीं है, अगर कम है तो हमारा विश्वास ही कम है। इन देवता के पास जाएं तो यही मांगे, हे नाथ मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति हो ऐसी शक्ति, क्यों उनकी इन्फ्लुएंस जल्दी लग जाएगी, देवता है ना आखिर, वो जो लेटर लिख देंगे इन्फ्लुएंस वाला, काम जल्दी बन जाएगा। चक्कर क्या है, इष्ट की बात तो बनानी नहीं, हम अपनी बात बनाने पहुंचते हैं तो ना तो ये देवता बनाता है और कृष्ण बैठे बैठे हंसता रहता है, मेरे होते हुए दूसरे के पास जा रहे हैं, क्या बात, एक खसम को करने के बाद दूसरे खसम के पास जा रहे हैं, मुझे नचाए इसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। पूछ दिया किसी ने, अच्छा बड़ी सस्ती मिल गई, हमें तो आज तक मिली नहीं, तुम्हें इतनी सस्ती और इतनी जल्दी कैसे मिल गई। प्रेमी कहते हैं ऐसे महाराजों का आशीर्वाद मिल गया, संतों का। देखो जिसके पास जो चीज़ होगी वही चीज़ वहाँ से मिल सकती है। कपड़े की दुकान में जाएं और कहें भैया मेरे को अंगूठी दे दे, जेवर दे दे, वहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे है? अनाज की दुकान में जाएं वहाँ कपड़ा मांगे, वहाँ है ही नहीं कपड़ा तो मिलेगा कहाँ से। जिसके पास जो चीज़ है वो ही वहाँ से मिलेगी। संतों के पास है क्या, भक्ति है, रस है, आनंद है, मस्ती है, तो अगर इनके पास जाकर भी हम सांसारिक चीज़ें मांगेंगे मिलने वाली नहीं है। भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो तो बैठे हैं देने के लिए, जो है उनके पास मिल जाएगा, लेकिन हम अक्सर रॉन्ग नंबर डायल करते रहते हैं। इसीलिए कहते भी हम तीन चीज़ें हैं, ग्रंथ, संत और भगवंत, तीनों का हम मिसयूज़ कर रहे हैं। ग्रंथों का श्रीमद् भागवत के भी जो आजकल कराई जाती है सप्ताहें, उसका उद्देश्य कोई ईश्वर की प्राप्ति तो है नहीं, कि मेरे कारखाने चल जाएं, कोठियां बन जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। जिस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने इष्ट तक पहुंचना है उसमें हम ढूंढ क्या रहे हैं, सांसारिक चीज़ें, इसका सीधा सीधा अर्थ मिसयूज, ग्रंथों का मिसयूज। संतों के पास जाकर भी जिनके पास ईश्वर का आनंद है, रस है, मस्ती है, उसके बदले मांगते क्या है, सांसारिक चीज़ें, बेटा दे दो, दुकान आजकल जरा मोड़ी चल रही है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन डबल हो जाए, यही मांगते हैं, ये संतों का भी मिसयूज है। और भगवान के पास जाकर भी ये ही मांगते हैं तो भगवान का भी मिसयूज है, और क्या है, जिस ईश्वर के पास रस है, आनंद है, उसके पास वो दे सकता है। कहते ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, कहाँ तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, ये डिपार्टमेंट है तेरे अपने कर्मों का, वैसे कर्म कर और प्राप्त कर, है क्यों इधर उधर भटक रहा है, अगर तुझे सांसारिक चीज़ें प्राप्त करनी है वैसे कर्म कर, ये डिपार्टमेंट किसी देवी देवता का भी नहीं, याद रखना, सब गलत फहमियाँ हैं। लाखों लोग जाते होंगे वैष्णो देवी, साफ कहता हूँ, सबको मिल जाता है क्या, मिलता हजारों को है, जाते लाखों है, क्यों वो भी अपना नंबर लगाए हुए हैं कि शायद हमारा भी नंबर लग जाए, जिस दिन अपना समय आएगा माध्यम कोई और बन जाएगा, चीज़ घर बैठे मिल जाएगी। संतों के अनुभव है कि समय से पहले
और प्रारब्ध से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अपने मानसिक कमजोरियों से घूमते रहते हैं। चलो अच्छा है, देवी देवताओं के पास जाते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपनी डिमांड उनके पास जाते रहें, बदलो। अगर नहीं बदल सकते तो सांसारिक चीज़ भी मांगो, लेकिन एक छोटी सी डिमांड ये भी मांग लो कि हे नाथ मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति हो, उनके चरणों का अनुराग मिले। सारी डिमांड में एक डिमांड और शामिल कर दो, शायद बात बन जाए। मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। न कौड़ी लगी न दाम मगन मैं नाचूं, ना कौड़ी लगी ना दाम मगन मैं नाचूंगी, ना कौड़ी लगी ना दाम मगन मैं नाचूंगी, ना कौड़ी लगी ना दाम मगन मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी। ओ मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन मैं नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, 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 जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, मेरा जुड़ गया उनसे ना मगन मैं नाचूं, जुड़ गया उनसे नाम मगन मैं नाचूंगी। जुड़ा तो क्यों जुड़ा, ये बात भी तो समझने की है। सबका नाम नहीं जुड़ पाता उससे, या प्रेमी कह रहा कि मेरा जुड़ गया उनसे नाम, क्यों जुड़ा, ऐसी क्या बात की उसने जो उसका नाम उससे जुड़ गया। वही बात फिर दोहरा रहा हूं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एरी एक ही रंग रंगियो ये डोरो, एरी एक ही रंग रंगियो ये डोरो, धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, रस नाम मुख काढ़ी हला हल बोरो। कितनी बड़ी साधना उपासना कि अगर धोखे से भी मेरी जिह्वा पर किसी और का नाम आ जाए, ऐ सखी मेरे मुंह से जीभ निकालकर हला हल विष डाल देना कि किसी और का नाम आया तो आया क्यों। नाम तब जुड़ते हैं कि कोई दूसरा नाम अब रहा ही नहीं जीवन में, एक ही साथ है। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एरी एक ही रंग रंगियो ये डोरो, धोखे वो दूसरो नाम कले, धोखे हु दूसरो नाम कढ़े, रस ना मुख काढ़ी हला हल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हुटे तजे नहीं भोरो, बावरिये अखियां जरी जाए, बावरिये अखियां जरी जाए,
जो सावर छाड़ी निहारत गोरो, जो सावर छाड़ी निहारत गोरो। यानी इंद्रियों का इतना संयम, सीधी सी बात, गोपी भाव भी क्या है, शरीर से ऊपर उठने का मतलब क्या, कि इंद्रियों पे इतना कंट्रोल हो जाए कि एक के अलावा कोई और रस अंदर घुस ना पाए। क्योंकि इंद्रियों को रस लेने की आदत है, हम कोई योग मार्गी नहीं कि चित्त वृत्ति निरोध है, रसोपासना वाले हैं, भक्ति मार्ग के हैं, तो इंद्रियां अपना काम करें, उन्हें रस लेने की आदत है। लेकिन कौन सा रस दे, बस जो हमारा इष्ट है उसी का रस, उसी का नाम, उसी का रूप। सारी इंद्रियां उसी का रस पिए, इसका नाम गोपी। गो यानी इंद्रिया, पी केवल कृष्ण का ही रस पिए। इसीलिए मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, मेरा जुड़ गया उनसे ना मगन में नाचू, मेरा जुड़ गया उनसे ना मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे ना मगन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे ना मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, और नाचूंगी भी तो क्यों, अरे रे तेरे रोम रोम में शाम है, हमारे ध्यान में भी नहीं आता, पूजा पाठ करने बैठती है मन लगता ही नहीं, चाहे जप करें कुछ भी करें मन कहीं और होता है, और तेरे रोम रोम में ऐसी कौन सी घटना घट गई तेरे साथ, किस ढंग से तू इस स्थिति को प्राप्त हुए। सखी कहती है पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण, पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण, फिर रूप सुधा मध्य कीनो नैनु बयान है। पहले मैंने उसकी चर्चाएं सुनी, कथाएं सुनी, लीलाएं सुनी, क्या हुआ मेरी गुण के, उसके गुणों के प्रति आसक्ति बढ़ गई, जब गुणासक्ति बढ़ी यानी श्रवण भक्ति, सीधी सी बात, पहली बात, पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण, फिर रूप सुधा मध्य कीनो नैनु बयान है। दूसरी स्टेप, बिना गुण के सुने जब हम केवल पूजा पाठ भजन कीर्तन में लग जाते हैं तो मोस्टली बात अधूरी ही रह जाती है, इमोशनल तो हो जाते हैं, सेंटिमेंटल तो हो जाते हैं, लेकिन विजडम गायब हो जाती है, विवेक, परिणाम घर गृहस्थी से कलेश ही होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो फिर जाना इधर चाहते हैं
घर वाले रोकते हैं, परिणाम क्लेश। क्यों? वन साइड गेम चला है ना, उसको समझा ही नहीं। कृष्ण को समझ लेते तो सारी बातें अपने आप ठीक हो जाती, परिवार भी, व्यापार भी और आध्यात्मिक जीवन भी। उसने तो यही सिखाया, बैलेंस लाइफ, हाउ टू लिव। लेकिन हम क्या ओनली सेंटिमेंटल, खाली भजन कीर्तन प्रवचन सुने और बस बहक गए, इसलिए बातें बिगड़ती रहती है। इसलिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कृष्ण को समझें हम क्या है। और समझा कैसे जाएगा? जब तक श्रवण भक्ति ना हो, उसकी कथाओं के जो रहस्य है, क्या जरूरत है उसे अवतार देने की? राम बनकर सामने आया, श्याम बनकर सामने आया, क्या जरूरत है? जब वो, अगर वो सामने आया है अवतार देकर, तो उसके जीवन के चरित्रों को समझना पड़ेगा कि हर एक घटना, हम चाहते हैं हमारे साथ बुरा ना हो, ऐसे कौन सा काम है जो उसके साथ नहीं हुआ? जिंदगी भर सबने दुख भोगे हैं, कृष्ण जब से पैदा हुआ क्लेश में ही रहा सारे जीवन भर, और हम चाहते हैं हमारे क्लेश वो मिटा दे। वो तो कहते हैं तू समझ ले ले, बुद्धि योगम ददाम्य, यही मेरा काम है। जितने भी दुख आए, संघर्ष आए, तुझे ही समेटने हैं, तुझे ही उनका निवारण करना है। हाथ पैर मार के मत बैठ। हाँ, पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण, फिर रूप सुधा मध्य कीनो नैन उपयान है, तो वो हसन नटन चितवन मुस्कन, वो हसन नटन मुस्कन चितवन, रसिकाई सुघराई मिली मती पेपान है। पहले कान उसकी कथाओं में लगे, फिर ये नैन उसके रूप में लगे। पहले श्रवण भक्ति आई है, सीधे सीधे रूप के ऊपर नहीं गए, पहले उसके स्वरूप को समझा और फिर रूप पे गए, तो परमानेंट हो गई बात। और उसके बाद मस्ती कब आती है? जब अकल का दखल समाप्त हो जाए, फिर जब उसकी एक एक अदाएं देखी, उसका देखना कैसा, मुस्कराना कैसा, चलना कैसा, उसका नृत्य करना कैसा, बांसुरी बजाना कैसा, जब एक एक अदाएं देखी तो बुद्धि उसके अंदर विलीन हो गई। यह हसन नटन चितवन मुस्कन, रसिकाई सुघराई मिली मती पेपान है, एरी मोही मोही मोहन मयूरी मन मेरो भयो, मोही मोही मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचान है, ये प्राण भय कान्हामय या कान भय प्राणमय, प्राण भय कान भय कान भय प्राण भय, सखी ही में न जानी परे प्राण है कि कान है, सखी ही में न जानी परे प्राण है कि कान है। ओ मेरे रोम रोम में श्याम, मेरे रोम रोम में श्याम, मैं नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम भगवन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम भगवन में नाचूंगी, मेरा जुड़ गया उनसे नाम भगवन में, मेरा जुड़ गया उनसे नाम भगवन में नाचूंगी।